What did you say? अच्छा मुझे असल में सर कौन सा कौन सा है पाइस जैसे सर तो तुमने ये अंदर है फॉरवर्ड तो नहीं है ये तेज सवाल मतलब कि तेज ना मतलब अच्छा इशू बड़े मानसिक है ना मैडम कैटरेक्ट चेक में इधर चालू 12 पेशेंट हो गए प्रत्येक महीने जो 29 हो गए कैटरेक्ट के जो है 13 मूर्ति मूर्ति बन अभी मई के समझो अप्रैल से लेकर 284 हो गए अपने इतना अच्छा काम है आगे के अंदर सेकंड नंबर पर अच्छा नहीं बोल रहा लेंस पर कंपलसरी मंगलवार तो पता नहीं लेकिन अच्छा क्वालिटी में गवर्नमेंट का मैंने होगा तो 5-10 हजार के अंदर नहीं एक मंत्रालय के ऑफिसर के मम्मी का किया था तो बहुत अच्छा विजन है अच्छा बहुत अच्छा मोदी लेंस मोदी होते एकदम एकदम चांगला है वो इवेंट चांगला है क्योंकि वगैरह सेपरेट है मैडम मैं सिस्टम और बोल के मेरे चार मुद्दे हैं सबसे पहले मतलब जो अपना उल्लासनगर का जो सेक्टर है उसका थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा पहले तो रेडिएशन मतलब जो भी लीकेज विकेज का जो काम है वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए हाँ वो ये और दूसरा गायनिक के अपने को कम से कम 6 डॉक्टर चाहिए पीडिशन 4 चाहिए और बच्चों के 7 डॉक्टर चाहिए तो एकदम सुरसुरित अपना हॉस्पिटल चलेगा सिंधे साहब 2022 में भी थे अच्छा काम किया है ये है मतलब आप भी मैडम जी आज सेंट्रल हॉस्पिटल जो डॉक्टर की आपके यहाँ मीटिंग हुई उस मीटिंग में किस बारे में मीटिंग थी और ये शहरवासियों को जरा बताएं आज सेंट्रल हॉस्पिटल के जो पूरे डॉक्टर्स की टीम थी और सिविल सर्जन थे उनकी मीटिंग मैंने ली यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लीकेज का डॉक्टर खटूजा जो वहाँ पे थैलेसमा सेंटर चल रहा है इन्होंने अधिवेशन के दौरान भी मुझे फ़ोन किया था और मैंने भी बहुत कोशिश की थी कि हॉस्पिटल की जो तकलीफ़ें हैं सबसे मेन उनको प्रॉब्लम है लीकेज का कलर नहीं हुआ है बहुत टाइम हो गया है और डॉक्टर्स की भी वहाँ बहुत कमी है तो इन सब बातों को ध्यान में देखते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि 2 साल पहले 97 लाख फंड जो है मैंने हाउस में मुद्दा उठाया था तो मंत्री महोदय ने अनाउंस किया था 97 लाख का फंड हमें हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए दिया था जो हमें टाइम पे फंड मिला नहीं और एज़ पर DSR वो रेट बढ़ गए और 1,19,00,000 रुपयों का फंड फिर हमको पास करके दिया उसमें से अभी 75 लाख फंड जो है इनके अकाउंट में आ गया है और हॉस्पिटल की जितनी भी प्रॉब्लम है PWD के काम है रोड रास्ता भी हॉस्पिटल का बहुत ख़राब है फिर कलर नहीं हुआ है बहुत टाइम हो गया है और स्लैब गिर गए हैं तो ये एक सीरियस बहुत मुद्दा था जिसको मैंने हाउस में भी उठाया और मंत्री महोदय से मीटिंग भी की और उसके 75 लाख रुपए अभी पास होके आए हैं जो अभी काम चालू हो जाएगा तो उसके बारे में उस सिलसिले में आज मीटिंग थी यहाँ पे और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और दूसरी बात मैटरनिटी जो वहाँ पे सेंटर है हॉस्पिटल में उसकी भी कंडीशन बहुत ख़राब है तो डॉक्टरों ने 3 महीने के लिए मैटरनिटी होम जो है वो 4 नंबर के मैटरनिटी होम में शिफ्ट किया है तो आम पब्लिक ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रसूति गृह जो है वहाँ का वो शिफ्ट करके 4 नंबर में 3 महीनों के लिए क्योंकि यहाँ का रिनोवेशन चालू हो जाएगा वो फंड से मैटरनिटी होम की हालत बहुत ख़राब है उसको रिनोवेशन की ज़रूरत है तो अभी जैसे ये फंड आ गया है तो ये पहले मैटरनिटी होम का वो रिनोवेशन चालू हो जाएगा और 3 महीने के लिए ये जो है शिफ्ट वहाँ 4 नंबर में किया जाएगा तो आम जनता को ये भी मालूम होना चाहिए और ये काम जो है डेवलपमेंट का हो जाए उसके बाद में अभी फिर हम मुद्दे उठाएंगे कि जो बैकलॉग है डॉक्टरों की कमी है वहाँ पे वो कैसे पूरी हो जाए तो इस सिलसिले में यहाँ पे आज हम लोगों ने मीटिंग रखी थी और एक अच्छी मीटिंग एक फ्रूटफुल मीटिंग जिसको बोलेंगे डेवलपमेंट का काम चालू हो जाएगा फंड सरकार से जो मैं लेकर आई हूँ 75 लाख उसका काम चालू हो जाएगा और इस शहर में और भी डेवलपमेंट के काम हो और भी जितनी भी तकलीफें हॉस्पिटल की वो कैसे दूर की जाए उसके बारे में मीटिंग थी आज धन्यवाद मैडम